झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर फिर से बड़ा धमाका किया है। इस बार उन्होंने इशारे में पूछा है कि कलसी बिल्डर के यहाँ झारखंड के किस नेता का पैसा लगा है। एक और ट्वीट में भाजपा सांसद ने राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए लिखा है, सरकार से एक काम की उम्मीद करना नासमझी है। पूरा का पूरा तंत्र ही राज्य सरकार का भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। सांसद ने एक और ट्वीट में जानकारी दी कि देवघर जमीन घोटाला की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने अपने हाथों में लिया है। जानकारी के लिए सीबीआई इसकी जांच पहले से कर रही है। एक और ट्वीट में झामुमो को निशाने पर लेते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि झारखंड माइनिंग माफिया पार्टी के नेतृत्व में अवैध खनन में बड़े स्तर पर हेराफेरी हो रही है। इन लोगों ने झारखंड को खोखला करने की शपथ ली है। इधर हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बारे में निशिकांत दुबे ने कहा कि अहम सबूतों के बाद पता चला है कि पंकज मिश्रा मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हैं। मुश्किलें तो अब इनकी बढ़नी शुरू होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।